तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को, आप सभी के फैमिली को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। अब क्योंकि मैंने वीडियो कुछ दिनों पहले शूट करी थी तो मैं आपको ये विश करना भूल गया था। बाकी इस वक्त मैं एडिटिंग ही कर रहा हूँ, बाकी अब टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा मिलते हैं आपसे वीडियो में। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का दिल्ली दर्शन के एपिसोड नंबर 6 में। और आज के एपिसोड के लिए मैं आया हूँ दिल्ली के बहुत ही सुंदर स्मारक में और वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट इन दिल्ली। तो आज के एपिसोड के लिए मैं आया हूँ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार में जाने से पहले आपको टिकट लेनी होगी जिसका प्राइस आपके स्क्रीन पर है, और उसके बाद आपको टिकट या टोकन मिलेगा जो कि कुछ ऐसा दिखता है, और फिर ये रही एंट्री गेट जिससे आप एंटर करोगे। तो कुतुब मीनार में पहुंचने से पहले आपको सबसे पहले दिखा दूँ ईमान ज़मीन के टॉम्ब, यानी कि ईमान ज़मीन का मकबरा। तो वो कुछ ऐसा दिखता है, उसके ऊपर कुतुब मीनार, मतलब उसके पीछे कुतुब मीनार। और ये जो मकबरा है ये बना था 1538 में, 1538 में। बाकी इसके अंदर है कब्र इमाम ज़मी की, ये रही, इसके नीचे दफन है। तो इमाम ज़मी टूम के बाद बारी है अलाए दरवाज़ा की, और अलाए दरवाज़ा कुछ ऐसा दिखता है। और अंदर से अलाए दरवाज़ा कुछ ऐसा दिखता है, जैसे गुम्बद, इसका डोम ऊपर, और बाकी इसके चार गेट्स हैं और एक मेरे पीछे। और आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि ये जो गेट्स के ऊपर जो आकृति आर्किटेक्चर है, इसे हॉर्सशू आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। जैसे आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा लोधी डबी गार्डन में जो हम गए थे, उसमें भी लगभग हर टूम्ब में, हर मकबरे में भी ये डिज़ाइन मिला था। और ये अलाए दरवाज़ा बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में, 1311 में। और ये जो लाए दरवाज़ा है ये भी बनाया गया था लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर के मार्बल से। यानी कि आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि जो दिल्ली में जितने ही मॉन्यूमेंट्स हैं, ज़्यादातर मॉन्यूमेंट्स हैं, उन सब में यही स्टोन यूज़ करे गए हैं, यही मार्बल यूज़ किए गए हैं। तो मैं वहाँ पर आ चुका हूँ जो कि लोग देखने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं, और वो है ये कुतुब मीनार। वो भाई बहुत लंबी है। इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1199 में, यानी कि 1199 में। और ये काम स्टार्ट कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, एक सुल्तान थे उस टाइम के, और वो केवल इसके दो फ्लोर्स ही बनवा पाए थे जिसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद इसका जो काम बाकी तो ऊपर के तीन फ्लोर्स है वो बनवाए थे शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने, वो उनके दामाद लगते थे, सन इन लॉ लगते थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। उन्होंने बाकी आगे काम कंप्लीट कराया था पूरे कुतुब मीनार को, और ये लगभग ख़त्म हुआ था 1211 से लेके 1236 के बीच में। यानी कि ये कहो कि इसका जो कंस्ट्रक्शन था ये पूरा कंप्लीट हुआ था 1211 से लेके 1236 के बीचों बीच। और इस पर जो आप लैंग्वेज लिखी हुई देख रहे हो सबसे पहले एकदम लास्ट में, वो अरबी भाषा है, अरेबिक लैंग्वेज है वो। और ये जो कुतुब मीनार है वो बना था लाल बलुआ पत्थर से या फिर रेड सैंडस्टोन से। और जो इसके जो टॉप टू फ्लोर्स है ऊपर के, उस पर वाइट मार्बल्स का भी यूज़ हुआ है, संगमरमर का यूज़ भी हुआ है। और जो इसके जो टॉप के दो फ्लोर्स हैं वो 1368 में एक बिजली गिरी थी जिसकी वजह से वो दोनों गिर गए थे,
और फिर इसकी जो रिपेयरिंग का काम था वो कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। और तभी आप देख सकते हो कि इन पूरे तीन फ्लोर्स में और ऊपर के दो फ्लोर्स में डिफरेंस है कि नीचे के जो है वो रेड सैंडस्टोन से बनाए गए हैं और जो ऊपर के जो फ्लोर्स है तो वो वाइट मार्बल से बनाए गए हैं, संगमरमर से बनाए गए हैं। और ये जो कुतुब मीनार है इस पर लगभग हर सुल्तान ने कुछ ना कुछ काम कराया है या फिर इसे थोड़ा सा रिफर्बिश कराया है, थोड़ा रिपेयर कराया है, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बाकी उसके बाद फिर लोधी डायनेस्टी और अंग्रेज़ी हुकूमत ने भी इस पर अपना कुछ काम कराया, क्योंकि हर किसी को चाहिए था कि इतना सुंदर मीनार है तो हमारा भी थोड़ा बहुत इस पर नाम आए। और ये जो कुतुब मीनार का गेट है इसे परमानेंटली 1981 में बंद कर दिया गया था, क्योंकि एक स्टैम्पीड हुई थी, उसके अंदर एक भगदड़ मची थी जिसमें 45 डेथ्स हुई थी जिसमें ज़्यादातर बच्चे थे, तो इसीलिए सेफ्टी पर्पसेस के लिए इसको बंद कर दिया गया, क्योंकि अंदर की सीढ़ियाँ बहुत छोटी छोटी हैं। तो मेरे पीछे जो आयरन पिलर है या लो स्तंभ है ये यहाँ की सबसे पुरानी चीज़ है, ये 5th सेंचुरी में बनी थी और इसे विष्णु स्तंभ भी बोलते हैं। ये 98% से बना था आयरन से और बाकी जो 2% है बाकी दूसरे एलिमेंट से उनसे बना था ये। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि इसमें आज तक जंग नहीं पड़ा, इस पर रस्ट नहीं आया आज तक। सब आप इसे क्लोजली देखोगे तो इसमें ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा हुआ है जो कि 5th सेंचुरी में इस पर लिखा गया था। तो जो कुतुब मीनार है ये बीते कुछ डेकेड से कुछ कंट्रोवर्सीज में रहा है, कुछ क्या बहुत कंट्रोवर्सीज में रहा है, जब एक फॉर्मर एएसआई ऑफिसर ने कुछ क्लेम किया था कि ये कुतुब मीनार जो है ये कब्जा किया गया था। और जैसे जिसमें मैं अभी हूँ ये मंदिर थे पहले, ऐसे टोटल 27 मंदिर थे, 27 टेम्पल्स थे, बहुत हिंदू और जैन मंदिर थे जो कि कब्जा किया गया था। कब्जा ही तो मैं कन्फर्म कर सकता हूँ, मंदिर तो कब्जे किए गए थे। जैसे आप देख सकते हो कि जो पोल्स में जो आर्किटेक्चर है ये देखो, इस पर घंटियाँ मैंशन है और ये इस पर भी घंटियों का बहुत मेंशन किया गया है और इस पर भी। मैं मतलब इतने दिल्ली दर्शन के पूरे मतलब जितने भी वो है वीडियोस है इतने मुगल मतलब उसमें गया हूँ मैं, स्ट्रक्चर्स में, मॉन्यूमेंट्स में, पर इस जो टेंपल का है इसका आर्किटेक्चर बिल्कुल उनसे अलग है। सबसे बड़ा डिफरेंस जो है मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप इसका डोम देखो, इसका जो गुंबद है वो देखो, बाकी सभी के आर्किटेक्चर से बिल्कुल अलग है। ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर तो नहीं है, मैं इस मंदिर का क्लेम कर रहा हूँ। बाकी जो कुतुब मीनार है सामने, जो एएसआई ऑफिसर थे उन्होंने ये क्लेम किया था कि जो कुतुब मीनार है इसका असली नाम ध्रुव स्तंभ है, ध्रुव स्तंभ है। और उन्होंने एक और चीज़ स्टेट करी कि ये जो कुतुब मीनार है इसका सबसे पहला नाम तो पहले ध्रुव स्तंभ था और इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनवाया था, इसे बनाया था महाराजा चंद्रगुप्त टू ने, यानी कि विक्रमादित्य, सम्राट विक्रमादित्य ने बनवाया था। बाकी उसको फिर कब्जा कर लिया गया, उसका नाम बदल दिया गया, ऐसे में बहुत सारे रेनोवेट कर दिए गए। और जो मेरे पास एक सबसे पहली फ़ोटो है कुतुब मीनार की वो कुछ ऐसी दिखती है, जी हाँ। उसके बाद इस पर इतने रेनोवेशन हुए, इसने इसको मतलब रिफर्बिश किया गया कि अब इसकी लुक ऐसी हो गई है। बाकी ये सब फैक्ट्स जो हैं ये सब मैं कन्फर्म नहीं करूँगा, बाकी मुझे ऐसा लगा और जो ऑफिसर थे उन्होंने ये चीज़ बताई थी, क्योंकि उस मीनार पर भी घंटियाँ हैं और घंटी अपने हिंदू धर्म में आप कितना महत्व आप जानते हो। और चीज़ ऐसी है जो कि इस फैक्ट को थोड़ा सा ट्रू करता है, थोड़ा सा क्या बहुत ट्रू करता है, बाकी वो है ये मूर्तियाँ जिनके सर तोड़ दिए गए हैं और इस पे भी घंटी लगी हुई है और बाकी हर तरफ से है, जैसे इस पोल पे, इस पिलर पे भी मूर्तियाँ हैं जिनके सर तोड़ दिए गए हैं, इस पे भी है, इस पे भी घंटी है। बाकी ये चीज़ है कि यार ये दिल को थोड़ा बुरा तो लगता है कि यार ऐसा क्यों किया गया। अब कुतुब मीनार के बाद मैं आया हूँ अलाई मीनार। अब कह रहे हो कि अलाई मीनार ये कैसी बला है, तो अलाई मीनार ये है, हाँ ये एक और कुतुब मीनार बना रहा था अलाउद्दीन खिलजी अपने नाम पर कि मैं सबसे बड़ा मीनार बनाऊँ पूरी दुनिया का, पर वो फेल हो गया और वो केवल इतना ही बना पाया, मतलब एक फ्लोर का भी आधा। पर अगर ये बन जाता मेरे भाई, अगर ये बन जाता ना तो मुझे लगता कुतुब मीनार कोई देखने आता था, ये इतना बड़ा बन जाता ना, क्योंकि यार मैं कुतुब मीनार से होके आया और ये बहुत बड़ा है यार, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। पर क्योंकि कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, तो खिलजी फेल इन डूइंग दिस, इसे कंप्लीट करने में वो फेल हो गया, क्योंकि 1311 में स्टार्ट किया उसने जो काम कमीशन किया था वो किया था अपने सेनापति को, कमांडर इन चीफ को, और उसने लड़ाकुओं को काम पर लगा दिया कि कुतुब मीनार। देख लो यार, वैसे जैसे स्ट्रक्चर है
मुझे कुछ खासा लगता नहीं कि लंबा टिक पाता। अगर बन जाता ना मेरे दोस्त तो अलग ही चीज़ बन जाती। मुझे पता है बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे लाल मीनार के बारे में, कुतुब मीनार घूमने चले जाते होंगे। अब कुतुब मीनार के बाद हम लोग आए इल्तुतमिश टूम या इल्तुतमिश का मकबरा। हाँ, ये पीछे इल्तुतमिश का मकबरा है। जो मेरे पीछे इल्तुतमिश टूम है, ये बना था 1235 में या 1235 में, और ये बनवाया था किसने? खुद शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने ही 1235 में। और अनफॉर्चुनेटली अगले साल ही उनकी डेथ हो गई। मैंने अब तक नोटिस करी है कि जिसने अपना मकबरा बनवाया अगले साल उसकी डेथ हो गई। अलाउद्दीन खिलजी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। और अंदर से इल्तुतमिश टूम, इल्तुतमिश का मकबरा ऐसा दिखता है। और यहाँ है शमशुद्दीन इल्तुतमिश की कब्र। और मेरा एक्सपीरियंस आज तक, मैंने जितने भी कब्र देखे, जितने भी मॉन्यूमेंट्स में, ये कब्र सबसे बेस्ट है। क्योंकि ये जो कब्र है, ये बनी है संगे मरमर के मार्बल से, वाइट मार्बल से। सोचो, मीनार के इस डायरेक्शन में है अलाउद्दीन खिलजी टूम या अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। जी हाँ, यहीं पे ही अलाउद्दीन खिलजी दफन है। और ये रही उनकी कब्र इसके नीचे। तो अंदर से अलाउद्दीन खिलजी टूम कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ उनकी कब्र, बाकी ये बिल्कुल टूट फूट चुका है यार, इसको शायद से तब प्रिजर्व नहीं किया गया। जैसे इल्तुतमिश का जो टूम है वो इससे काफ़ी हद तक बहुत तो काफ़ी ज़्यादा ही सुंदर है। और कब्र की बनावट भी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। मतलब कुतुब मीनार कैंपस में ही और भी बहुत सारे कब्र हैं, पर इसकी बनावट ऐसा लगता ही नहीं कि कब्र है। जैसे देखो, लोग इस पर बैठ के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। आई बेट कि ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं कि एक्चुअली में है क्या, कि ये कब्र है। बहुत सारे लोग ऊपर चढ़ के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, ऊपर चल रहे हैं। अब ये थोड़ी इंसल्ट टाइप है कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए। ऊपर ये भी क्या, क्योंकि पता भी ना हो शायद, क्योंकि बाहर भी कोई बोर्ड नहीं है अलाउद्दीन खिलजी टूम के नाम से कुछ ऐसा। लोग क्या पता है क्या चीज़ है क्या नहीं। चलो यार, आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही रखते हैं। केवल क्या, वैसे ही बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। बाकी कमेंट करो यार, आप लोगों को क्या क्या अच्छा लगा, मुझ में क्या कमियां लगी। बाकी आप लोगों का फीडबैक है जो इस वक्त मुझे बहुत ज़रूरत है। कमेंट करो क्या ठीक लगा क्या नहीं लगा। बाकी एक और चीज़ की ज़रूरत है, वो आप लोगों का सपोर्ट। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो, इस व्लॉग को शेयर करो, अपने फैमिली मेम्बर्स को शेयर करो। बाकी सब्सक्राइब करो चैनल को। और हाँ, यहाँ तक देख चुके हो तो मेरे दोस्त लाइक कर दो। लाइक करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। कर दो यार, 2 सेकंड लगते हैं भाई, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। बाकी और भी वीडियोज़ आने वाली है, इस पूरे महीने ही आने वाली है, हर संडे को। बाकी तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ और मिलता हूँ अगले व्लॉग में। तब तक के लिए, दिस साइड मृत्युंजय, ओवर एंड आउट।